वाड़ी में भूखे कामगारों को दे रहे दो समय की रोटी, समीर मेघी मित्र मंडल ने बढ़ाया सामाजिक हाथ। वाड़ी क्षेत्र गोदाम नगरी के रूप में पहचाना जाता है। कोरोना महामारी ने इन गोदामों में काम करने वाले हजारों लोगों के खाने का सवाल पैदा हुआ है। खाना नहीं मिलने से कामगार लोग भूखे सो रहे हैं, लेकिन विधायक समीर मेघे मित्र मंडल ने सामाजिक हाथ आगे बढ़ाकर सुबह शाम दोनों समय कामगारों को खाना खिलाने का सराहनीय कार्य किया है। अमरावती राजमार्ग स्थित गुरुद्वारा व खड़गांव रोड शिवजी स्मारक के पास रोजाना हजारों गरीब कामगार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। वाड़ी में खाना खिलाने के लिए अनेक समाज सेवक संस्था मित्र मंडल इस मुहिम में जुटे हुए हैं। विधायक समीर मेघे ने कोरोना के आपदा स्थिति के हालात देखकर अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को आदेश देकर कोई भूखा न रहे, सभी को लॉकडाउन तक खाना खिलाने के लिए अपनी फौज खड़ी कर दी है, जिसके लिए पूर्व उपाध्यक्ष नरेश चरडे, नगर सेवक केशव बांद्रे, राकेश मिश्रा, दिनेश कोचे, कल्पना सकदेव, सरिता यादव, शालिनी रागिट, आशा कड़ू, कमल कनोजे, मनोज रागिट, अजय तावड़े गरीबों को खाना खिलाने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इनके काम की वाड़ी में सराहना की जा रही है। मतदार संघ में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करीब करीब 10,000 लोगों को खाना रोज हम दे रहे हैं। वाड़ी में हम लोग दिन में करीब करीब 1200-1500, रात में 1200-1500 लोगों का खाना रोज एक तारीख से दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि एक ऐसा नेक काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोग हमको सहयोग करें, मदद करिए। और वहाँ बुट्टीपुरी में भी करीब करीब 7,000 लोगों को खाना रोज खिला रहे हैं। निल्डो इसासिनी इस क्षेत्र में भी रोज के 1200 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि लोग अपने घर पर रहे और ऐसे कामों में आगे बढ़ के लोगों को मदद करें। हमारे अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने आह्वान किया है कि 5 करोड़ लोगों को हम लोग खाना खिलाएंगे, तो उसी के माध्यम से उनसे प्रेरणा लेके आदरणीय मोदी साहब है, गडकरी साहब है, शाह साहब है, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, इन सब के माध्यम से हम लोग एक नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनबीसीएन के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।